हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बनाते हैं ये ठंडा ठंडा टेस्टी और हेल्दी सा मिल्क शेक, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है लगभग 2 अंजीर, साथ में डाल देंगे 8 से 9 बादाम। यहाँ पर मैं 2 ग्लास बना रही हूँ, तो उस हिसाब से सारे ड्राई फ्रूट्स लिए है, 7 से 8 जितने काजू, और किशमिश भी मैंने इसमें डाली थी जो हमें यहाँ पर शूट करना भूल गई थी। तो सबको एक साथ हम मिला कर उसमें पानी डाल देंगे। और 3 से 4 अंजीर लिए हैं, उसे मैंने अलग से भिगोया है ताकि उसका जो कलर रिलीज हो तो वो काजू पे चढ़ जाता है इसीलिए। और बस अभी हमें इसे ढक कर पूरी रात के लिए इसे छोड़ देना है। देखिए किशमिश दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर हमें इसे पूरी नाइट ओवरनाइट के लिए हमें इसे छोड़ देना है। अभी सुबह देखिए कितने अच्छे से हमारे जो सारे ड्राई फ्रूट्स है वो भीग चुके हैं, और देखिए कितने खा पी कर मोटे हो गए हैं। तो बस अभी हम सिंपली बना लेंगे मिल्क शेक। तो सारे जो भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स है उसे डाल देंगे मिक्सर जार में। और अभी इसमें डाल देंगे 3 से 4 चम्मच जितनी चीनी, लगभग 1 ग्लास दूध के लिए 2 चम्मच जितनी चीनी जो है वो हमें लगेगी इसमें। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और अभी हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 ग्लास जितना रूम टेम्परेचर वाला जो दूध होता है वो, एकदम चील्ड दूध नहीं डालेंगे वरना जो है वो चीनी पिघलेगी नहीं अच्छे से। और साथ में डाल देंगे 2 से 3 आइस क्यूब। और अभी सारी चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, और बस हमारा टेस्टी हेल्दी और ठंडा ठंडा मिल्क शेक तैयार है। अगर आप व्रत या उपवास के लिए बनाने वाले हैं तो उसके लिए भी जो है ये मिल्क शेक बहुत ही अच्छा रहता है, और आपका पेट भी जो है वो लंबे समय तक भरा रहेगा। तो बस ये ठंडा ठंडा मिल्क शेक एंजॉय कीजिए।